आसनसोल नगर निगम द्वारा गठित हिंदी अकादमी की पहली सभा आसनसोल नगर निगम के सभाकक्ष में संपन्न हुई। सभा में उपस्थित हुए आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, हिंदी अकादमी ने आसनसोल शिल्पांचल के कवि विद्वान एवं साहित्यकारों को सम्मानित किया। आसनसोल नगर निगम द्वारा गठित हिंदी अकादमी की पहली सभा सोमवार को आयोजित की गई। ये सभा आसनसोल नगर निगम के सभा कक्ष में आयोजित हुई। आसनसोल शिल्पांचल के कवि, विद्वान, लेखक, साहित्यकार व समाज सेवियों समेत अन्य पार्षद इस सभा में उपस्थित थे। इन सभी को हिंदी अकादमी की तरफ से पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, MIC दिव्येंदु भगत, TDB कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर DP बर्नवाल एवं पूर्व विधायक सोहराब अली समेत अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दिन मेयर विधान उपाध्याय ने सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए सबको धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार UP से आए लोग ही हिंदी नहीं बोलते, बल्कि हमारे बच्चे भी हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, उनकी सेकेंड लैंग्वेज भी हिंदी ही है। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि लगभग 1.5 साल बाद हिंदी अकादमी गठित हुई है। हिंदी भाषा के विकास के लिए नगर निगम की तरफ से हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सिर्फ हिंदी ही नहीं, समाज सेवा मूलक कार्यों में भी नगर निगम हर तरीके से तत्पर रहेगी। हिंदी भवन का चालू করার জন্য হিন্দি একাডেমি যেভাবে গত বছরগুলো চলছিল ঠিক সেভাবে যেন চলুক এবং আরো আগামী দিনে যেটাই দরকার পড়বে যেটাই হবে। আমি আসলে জানতে চাইছিলাম যে একাডেমিটার কাজটা কি, একাডেমি করে কি, কারণ আমি একটা সংগঠন বললাম, সংগঠনটা করে কি। আমি গত পরশু দিনে পুনরা মহিলা মারোয়ারি মহিলা সমিতি বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম গরিব মানুষদের জন্য আমাদের জলের ঠান্ডা জলের মেশিন, যারা হ্যান্ডিক্যাপ আছে তাদের জন্য, যারা গরিব বাচ্চা আছে তাদের জন্য আমি গেছিলাম অনেকগুলো প্রোগ্রামে, তুলনা করেন তো অনেক অনেক একাডেমি অনেক রকম থাকে। আমি যেহেতু নতুন একাডেমিতে নতুন এসেছি তো আমি নিশ্চিতভাবে চাইবো একাডেমি শুধু পড়াশোনার মধ্যে নয়, আমাদের সমাজে সে হিন্দি একাডেমি মানে খালি হিন্দিদের জন্য করবে তা কিন্তু নয়। আমরা যেখানে বুঝবো মানুষের দরকার পড়ছে, আমরা কিছু সহযোগিতা করলে মানুষের উপকার হবে, তো সেটা নিশ্চিত হবে আমরা সবাই মিলে করবো। হিন্দি একাডেমি যেভাবে চলছিল গত বছরগুলো আগামী দিনে তার চেয়েও আরো ভালো চলুক এই আশা রইল, এবং যে কোনো দরকারে আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় পাশে রয়েছে। ওই হিন্দি একাডেমি কে সচিব भोला कुमार हेला ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के द्वारा गठित हिंदी अकादमी की ये पहली सभा आयोजित की गई है। आसनसोल शिल्पांचल के कवि, लेखक, साहित्यकार व समाज सेवियों के सहयोग से हिंदी को विकास के पथ पर अग्रसर करना ही हमारा लक्ष्य है। हिंदी अकादमी की पहली सभा बुलाई गई है आसनसोल नगर निगम में। हम लोग इस इलाके के हमारे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्वान प्रबुद्ध जन हैं, ज्ञानी जन हैं, कवि, लेखक, साहित्यकार और समाज सेवी, जिनके माध्यम से हम लोग पश्चिम बंगाल के इस नगर निगम में आसनसोल में हम लोग आसनसोल की धरती पर हिंदी का विकास कर सकें, हिंदी की प्रगति कर सकें, और हिंदी एक ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में हमको जोड़ती है, तो इस भाषा का प्रचार प्रसार और विभिन्न भाषाओं में, चाहे बंगला हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, उसमें जितने भी अच्छे अच्छे साहित्य हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि हिंदी में सभी लोगों तक वो पहुँचे, और साहित्य के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा भाषी के जो शिक्षा में जो भी हम सब सहयोग कर सके इन प्रबुद्ध ज्ञानी जनों के मार्गदर्शन के आधार पर, वही हम लोग भविष्य में करने जा रहे हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এবার আপনার স্বপ্নের নীর আপনার হাতের মুঠেই নিয়ে এলো কৃষ্ণম ডেভেলপার্স। চব্বিশ ঘন্টায় থাকছে ওয়াটার, ইলেকট্রিক ও লিফট ফ্যাসিলিটিস, এছাড়াও পার্কিং স্পেস, CCTV সার্ভেলেন্স, চারিদিক খোলা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সহ সমস্ত রকমের সুবিধাযুক্ত 2BHK, 3BHK ফ্ল্যাট। এখানে আপনি পাবেন একেবারে উচিত দামে, রয়েছে ব্যাংক লোন ফ্যাসিলিটিসও। রানীগঞ্জের লাইফলাইন NSP রোড ও NH2 থেকে মাত্র 600 মিটার দূরত্বে গড়ে উঠছে এই অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট। বুকিং এর জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। কৃষ্ণম ডেভেলপার, সুরমাপাড়া, বাঁশরা রোড, রানীগঞ্জ। মোবাইল নম্বর 9832196051, 9775770619।